हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी और स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूं टेस्टी क्रंची क्रिस्पी लच्छे आलू की रेसिपी। आज मैं आपको दो फ्लेवर में लच्छे आलू की रेसिपी बताऊंगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगा ये, जैसा आप लोग दुकान से ला कर खाते बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहेगा। क्योंकि मार्केट वाला हम लाते हैं तो उतना हेल्दी नहीं रहता है, पता नहीं कितने दिनों का रहता है, लेकिन अगर आप घर पर इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्टी तो लगेगा ही, साथ साथ हेल्दी भी होगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लच्छा आलू बनाने के लिए यहाँ पे हम चार बड़े साइज़ का आलू ले लिए हैं। लच्छा आलू बनाने के लिए बड़ा साइज़ का अगर आलू लेंगे तो एकदम बड़ा बड़ा लंबा लंबा लच्छा बनेगा। तो इसका हम छिलका हटा के पानी में ही डाल दिए थे ताकि ये काला ना पड़े। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी ले लिए और इसी में हम आलू को घिसेंगे। आलू का लच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो आता है, इसमें क्या होगा, ना ज़्यादा मोटा बनेगा और ना ही एकदम पतला बनेगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। इसी में हम इसको आलू को अच्छे से घिसेंगे, तो पानी में ही घिसते जाएंगे ताकि आलू जो है वो काला ना पड़े। तो ये देखिए एक आलू लेंगे और ऊपर से एकदम एक तरीके से घिसते जाएंगे। ये देखिए बीच से नहीं घिसना है, एकदम ऊपर से ही घिसेंगे, तभी एकदम लंबा लंबा लच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों लच्छा जो बनने लगा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है ये लच्छा। तो इसी तरीके से आलू को हम अच्छे से घिसेंगे। और चलिए हम आपको अब आलू दिखाते हैं जो कितने अच्छे से ये लच्छा बना है। ये देखिए एकदम लंबा लंबा, एकदम पतला पतला ये लच्छा रेडी हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम सभी आलू को अच्छे से घिस लेते हैं इस ग्रेटर में, और उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं। चारों आलू को अच्छे से घिस लेना है। तो ये देखिए दोस्तों सभी आलू को घिस के और ढेर सारा लच्छा हम रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम लंबा लंबा लच्छा रेडी हुआ है। तो अब बारी है इसको साफ़ करने की, इस आलू में से स्टार्च निकालने की। तो अब हम इसको चार से पांच बार पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं आलू जो है, आलू का जो पानी है अभी नीचे कितना ज़्यादा गंदा है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, चार पाँच बार पानी से वॉश करेंगे। तो दो बर्तन ले लें और दोनों में पानी ले लेना है। तो एक बार इसमें वॉश करके निकालना है और फिर इधर निकालेंगे। आप देखिए पानी अभी कितना ज़्यादा इसमें स्टार्च है। तो इस तरीके से अच्छे से हल्के हाथों से थोड़ा सा वॉश करना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा। अच्छे से धोना है। तो इस तरीके से पानी से निकाल के इस वाले बर्तन में डाल देंगे पानी में, और उसके बाद चार पांच बार इसी तरीके से साफ़ पानी से इसको अच्छे से धोएंगे ताकि इसमें से आलू में से एकदम स्टार्च निकल जाए। स्टार्च निकलेगा तभी ये जो लच्छा एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो चलिए आलू को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों सभी आलू के लच्छे को हम अच्छे से वॉश कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी जो है वो कितना ज़्यादा साफ़ है। अब इसमें थोड़ा सा भी स्टार्च नहीं है। इसको हम चार से पांच बार पानी से अच्छे से हल्के हाथों से धोए हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस दो मिनट के लिए बॉयल करना है। आलू के लच्छे को बॉयल करने के लिए पतीले में हम पहले ही से पानी को बॉयल होने के लिए डाल दिए थे। पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू का लच्छा डाल देंगे। तो इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, पर नमक का हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बाद में करेंगे। अगर आपका मन हो तो आप इस वक्त भी इसमें नमक डाल सकते हैं। तो सभी आलू को लच्छे को डाल देंगे इसमें, उसका थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसको दो मिनट के लिए बॉयल करेंगे। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, बस दो मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा और फिर बाद में अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए बस डाल के दो मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। बीच बीच में हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर दें, और ये देखिए इस तरीके से मिक्स करके दो मिनट के लिए बस हम इसको बॉयल कर लेते हैं, और उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं। तो आलू के लच्छे को दो मिनट के लिए हम बॉयल कर लिए हैं, और अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम सुखाएँगे। तो चलिए ये देखिए थोड़ा सा बॉयल हुआ है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसको सुखा लेते हैं। तो इसको सुखाने के लिए कॉटन का कपड़ा ले लिए हैं। इसको धूप में नहीं सुखाना है, बस आपको पंखे के नीचे आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम कॉटन का कपड़ा ले लिए हैं, बिछा लिए हैं, और उस पर हम इस आलू के लच्छे को अच्छे से फैला देंगे इस तरीके से, ये देखिए डाल के, और पानी में से तुरंत निकाल लेना है, पानी में छोड़ना नहीं है लच्छे को। और ये देखिए आलू को इस तरीके से अच्छे से हम फैला देंगे, और उसका पंखे के नीचे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए। बस पानी सुखाना है और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक आलू सूखता है तब तक यहाँ पे हम मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए पैन में तीन चम्मच तेल डाल दिए थे, और इसमें हम आधा कटोरी मूँगफली डाल देंगे, और मूँगफली को अच्छे से लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मूँगफली डालना ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो चलिए पहले ही से हम मूँगफली को भून के अच्छे से रख लेते हैं। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मूँगफली को। तो ये देखिए दोस्तों मूँगफली को हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए गैस को ऑफ करके इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा बाद ये जो आलू का लच्छा है वो अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए एक प्लेट में इसको उठा लेते हैं और इसको फ्राई करने चलते हैं।
तो लच्छे को फ्राई करने के लिए तेल को हम पहले ही से कढ़ाई में गर्म होने के लिए डाल दिए थे। जब आप इसको फ्राई करें तब तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाद में बच जाएगा, लेकिन कढ़ाई में आपको ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा। तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम करके इसमें आलू का लच्छा डालना है। इस तरीके से थोड़ा सा सावधानी से डालें, नहीं तो तेल जो है थोड़ा सा ऊपर से गिर भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से डालें और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। और जब आलू का लच्छा डाल दे उसके बाद गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और इसको इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाना है। एक बैच को फ्राई होने में आपको 4 से 5 मिनट लग सकता है। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए हम फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से आलू जो है वो फ्राई हो जाए लच्छा। तो बीच बीच में चलाएंगे, एकदम हमेशा नहीं चलाना है। तो एक एक मिनट में हम इसको थोड़ा सा चला देंगे और आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा झाग है, पर जैसे जैसे ये पकेगा झाग भी हटते जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, एक मिनट हुआ है और झाग जो है वो एकदम हट चुका है तेल में से। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर जोर देंगे तो ये टूट जाएगा, लच्छा जो है वो छोटा छोटा हो जाएगा, इसलिए एकदम हल्के हाथों से तेल में इसको मिक्स करना है इस तरीके से। और उसके बाद इसको हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आलू का जो लच्छा है वो फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस 5 मिनट इसको पकने में लगा है, इसको फ्राई होने में। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका कलर भी आया और एकदम क्रिस्पी क्रंची बना है। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो और भी, जब ये ठंडा होगा तो और भी एकदम क्रिस्पी और क्रंची बन जाएगा। तो सभी आलू के लच्छे को निकाल लिए और फिर से हम तेल में इस आलू के लच्छे को डालेंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए, डालते ही आलू कितना ज़्यादा झाग बनने लगा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इसको डालें। और ये देखिए, एक मिनट में ही ये झाग खत्म हो जाएगा, तब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आलू का जो लच्छा है वो बन चुका है। इसको हम पहले ही की तरह पका लिए थे 5 मिनट के लिए, बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लिए थे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा बार भी ये लच्छा जो है दूसरे बैच का भी बन चुका है। और ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची बना है, ज़्यादा कलर एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं लाना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, 5 मिनट में अपने आप ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सभी आलू को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी आलू के लच्छे को हम अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इसको हम छलनी वाले बर्तन में रखे हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो भी निकल जाए और ये सॉफ्ट भी ना पड़े। तो अब हम इसमें फ्लेवर लाएंगे, तो उसके लिए बाउल में एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम इसमें से आधा आलू का लच्छा डाल देंगे, क्योंकि हम 2 फ्लेवर का बना रहे हैं इसलिए हम आधा डाल दिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो पहले हम नमक नहीं डाले थे इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, तो फ्लेवर आप कोई भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे पुदीना वाला फ्लेवर बना रहे हैं तो उसके लिए चाट मसाला डाल रहे हैं। और उसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे इसमें पुदीना का पाउडर। पुदीना का पाउडर मार्केट में भी आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो पुदीना का अगर आपके पास पेड़ है तो पत्ता तोड़ ले, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर ले गैस पर कढ़ाई में डाल के, और उसके बाद उसका पाउडर तैयार कर ले, बहुत ही आसानी से बन जाता है। नहीं तो आप सुखा के भी उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं धूप में, लेकिन धूप में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, 4-5 दिन में सूखता है। और अगर आप घर में तुरंत बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कढ़ाई में उसको रोस्ट कर ले और बना सकते हैं पाउडर, और बहुत दिनों तक वो चलता भी है। और अब हम इसे मूंगफली ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप मूंगफली ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आलू का लच्छा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मूंगफली डाल के सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पुदीना फ्लेवर वाला जो आलू का लच्छा है वो रेडी है। तो चलिए इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं, और उसके बाद दूसरा फ्लेवर बनाएंगे। तो ये तो हो गया पुदीना फ्लेवर, अब हम बनाएंगे तीखा, चटपटा और मीठा, जिसमें तीनों फ्लेवर आएगा वो वाला फ्लेवर हम बनाएंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो अब हम दूसरा फ्लेवर बनाएंगे जो कि है तीखा, चटपटा और मीठा, जिसमें कि तीनों फ्लेवर एकदम अच्छे से आएगा। तो उसके लिए फिर से बाउल में हम आलू का लच्छा ले लिए हैं, उसमें डाल दी है मूंगफली, आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है इसलिए थोड़ा सा कम ही डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर भी आएगा, थोड़ा सा तीखा भी होगा। तो चलिए इसको डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मीठे के लिए चीनी का पाउडर, तो ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच ही चीनी का पाउडर डालना है। यकीन मानिए दोस्तों, ये फ्लेवर आपको बहुत पसंद आने वाला है, ये वाला तीखा, चटपटा, मीठा का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो सभी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा सा गर्म रहे जब आलू का लच्छा तभी इसको मिक्स करें, ताकि तेल में जो है वो सभी चीज़ अच्छे से आलू के लच्छे में अच्छे से कोट हो जाए। तो गर्म रहता है तो थोड़ा सा तेल लगा ही रहता है, जिससे कि सभी मसाले अच्छे से आलू के लच्छे में कोट हो जाए। तो चलिए अब हम इसको भी एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एकदम मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची,
आलू का जो लच्छा है वो बन के है तैयार। तो इसको हम दो फ्लेवर में बनाए हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी होली भी आ रहा है तो होली के मौके पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। खाने में भी टेस्टी, बनाने में भी आसान, और आप इसको आराम से 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊँगी, तब तक के लिए बाय।